हमारे साथ है श्रुति पाठक जी, जिनके जयद्रथ सॉन्ग मर जावा ने करोड़ों दिलों की लाखों की दिलों की धड़कनें बढ़ा दी थी। और तब से लेकर अब तक उन्होंने कई हिट किए और पीछे मुड़कर इंडस्ट्री में नहीं देखा। तो हम बात करते हैं उनसे। नमस्कार श्रुति जी। नमस्ते। और ये बताइए, आपने आपका जयद्रथ सॉन्ग था मर जावा, जिसे आप बहुत सुपरहिट और लोगों को मतलब लोगों ने आपको पहचाना, आपको एक पहचान मिली अलग, आपने मुकाम हासिल किया, तब से लेकर अब तक का सफर आपका कैसा रहा, कैसा महसूस करती हैं? बहुत ही खूबसूरत जर्नी रही है मेरी। वो चाहे मेरा पहला गाना हो मर जावा, चाहे मेरा लेटेस्ट लास्ट गाना हो हैप्पी एंडिंग से हसीना मैं कमीना तू, वो चाहे शुभारंभ हो या तुझे बुला दिया, आई थिंक हर एक गाना मेरे ज़िंदगी में बहुत ही स्पेशल रहा है। और आई थिंक आई ओनली नीड टू थैंक गॉड फॉर ब्लेसिंग मी विद सच ब्यूटीफुल सॉन्ग। डेफिनेटली आपका तुझे बुला दिया सॉन्ग तो ऐसा था कि अभी भी जो भी सुनता है, स्पेशली मतलब जिनके भी जिनके दिल टूटे हुए होते होते स्पेशली सुन के बहुत इमोशनल फील करते हैं। सीरियसली बहुत खूबसूरत है। आई थिंक वो गाना टूटे हुए दिलों पे बैंडेड का काम करता है। एंड यस, आई थिंक आई वाज जस्ट फॉर्चुनेट कि मुझे ऐसे गाने मिले हैं जहाँ पे मैं अपनी गायकी का इस्तेमाल भी कर सकूँ और ऐसे खूबसूरत कॉम्पोजिशंस मिले हैं। तो या आई थिंक आई वाज जस्ट लकी। तो ये बताइए कि आपके और आगे के प्लान्स क्या हैं, कोई एल्बम आने वाला हो या कुछ भी ऐसा, तो हमें बताइए प्लीज़। डेफिनेटली इस साल बहुत सारे फिल्म के गाने हैं। एज आई सेड कि कुछ ऐसे कंपोजर्स हैं जिनके साथ मैंने पहले काम नहीं किया है, जैसे कि हिमेश रेशमिया जी हैं, जीत गांगुली हैं, सचिन जिगर हैं, तो संगीत और सिद्धार्थ हल्दीपुर हैं जिन्होंने मर्डर 2 का पहले गाने दिए थे। तो कुछ ऐसे ऐसे गाने हैं जो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू देम। अपना कोई भी फेवरेट सॉन्ग की लाइन गा के सुनाइए। आई थिंक मर जावा गा लेती हूँ क्योंकि वो मेरा डेब्यू सॉन्ग है और वो मेरे दिल के ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा करीब है। मर जावा तेरे इश्क पे, मर जावा। एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगी कि जो सिंगिंग रियलिटी शोज चल रहे हैं और तो इसके बारे में आप जो भी सिंगर्स आते हैं उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? बस इतना ही कहना चाहूँगी, अपने आर्ट पे भरोसा रखें, अपने आर्ट पे ही ज़्यादा फोकस करें, रियाज करें, हार्डवर्क करें और बाकी सब मंजिल अपने आप बनती जाएगी। जस्ट कीप पेशेंस एंड वर्क हार्ड।